अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ नहीं आ सकते क्या? आ सकते हो? मेरी आदत नहीं है ना घर पे आने वाले को धक्के मार के निकालने की। ये तो पूछ सकती हूँ कि कैसे आना हो? भूल जाओ सब कहानियाँ। दानियाल तो शायद मेरा मुकद्दर था ही नहीं, वो तो तुम्हारी तकदीर में था। प्लीज चुप कर जा। मेरी तकदीर में जो था वो मुझे मिल रहा है। उसे बहुत प्यार करता है आनी। शट अप फातिमा, ऐसा ना हो मुझे तुम्हें यहाँ से भी जाने के लिए कहना पड़े। तुम कहोगी भी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम हाँ नहीं करोगी। बंद करो ये ड्रामा। अब्बू, आप यहाँ? मेरे आने का यहाँ जवाब है, लेकिन तुम क्या कर रही हो यहाँ? मेरे पास भी वजह है। मैं नहीं जानती कि मेरी तलाक के पीछे आनी और दानियाल की मोहब्बत है कि नहीं, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि उनकी मोहब्बत को एक नई जिंदगी दे दूँ। तुम मोहब्बतों की अमीन कब से हो गई? तुम पर सिर्फ झूठ बोलना और इल्जाम लगाना सूट करता है। तुम्हें किसने सिखाई हैं ये बातें? हानी, फजूल में इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास आने से बेहतर था कि तुम तायमी के पास जाती, उन्हें अपने घर लेकर जाती। बंद करो ये ड्रामा। तुम जिस माँ की औलाद हो वो सिर्फ खुदगर्जी और हसद की खमीर से बनी है। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। से बेहतर मुझे कौन जानता है? आपसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है? हनी और दानियाल एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि दानियाल ने अपने अम्मी अब्बू से एतराफ कर लिया है। हर मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि वो शादी में तब्दील हो जाए। मैं भी तो यही कह रही हूँ। नाकाम मोहब्बत का दुख अपने दिल से लगा कर रखने का क्या फायदा है मुझे? Oh my God, फातिमा, बस कर दो। फातिमा, तुम जाओ यहां से, बल्कि मेरे साथ चलो। तुम धनिया की जिम्मेदार नहीं। ये बहन है मेरी, उसने मेरे लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है, मैं तो बस उसे लौटाने आई हूँ। मामू जान, ये लड़की पागल हो चुकी है। दानियाल से मेरा आपको कोई ताल्लुक नहीं है। हम ऐसे हैं एक दूसरे के लिए जैसे कभी एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। चले अब्बू। हे